Yes, yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sit down. बिहार सरकार की कोई स्कीम होगी या केंद्र सरकार की भी कोई स्कीम होगी, महिलाओं को शुरू देखता हूँ, बिहार से भी देखता है तो जीविका है या फिर सीएम भूमि योजना है। जीविका कोई स्कीम है क्या? जीविका एक कार्यक्रम है सर, जब जो महिलाओं को स्टेप किया जाता है इसके माध्यम से बहुत सारे उपागम इसमें, जैसे एक दो बताइए। जैसे कि दीदी की रसोई योजना या वित्तीय समावेशन के माध्यम से उसे आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है, सामाजिक रूप से भी उसे सशक्त किया जाता है, जैसे कि वो दीदी की रसोई चलाई जाती है जो अस्पतालों में लागू किया गया है, या फिर स्कूल के क्षेत्रों में भी पोशाक योजना के माध्यम से उसे पोशाक दिलाने के लिए जाता है, या फिर वृक्षारोपण के लिए भी मतलब दीदी की पौधशाला विकसित की गई है, माध्यम से उसे बेहतर करने का काम। जब जीविका ऑर्गेनाइजेशन है, सीडीपीओ ऑफिसर की क्या ड्यूटी है? सीडीपीओ के संदर्भ में जीविका के विषय कोई संदर्भ नहीं, गाँव सशक्तिकरण के तो इसके क्रियान्वयन के लिए अगर जीविका है ही तो अलग से अधिकारी की नियुक्ति क्यों हो रही है? सीडीपीओ का मुख्य कार्य है उसका नीतियों में क्रियान्वयन करना, जो सरकार नीतियाँ बनाती है सीडीपीओ का, सीडीपीओ के अंतर्गत जो क्रियान्वयन की क्षमताएं है वो मुख्य रूप से महिलाओं और जो गर्भवती महिलाएं या जो शिशुवती महिलाएं उनके लिए है। उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? जैसे की उसे पोषाहार नहीं मिल पाता है, या फिर बहुत सारी कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग की बात हो, या फिर चाइल्ड वेस्टिंग की बात हो, या फिर इस प्रकार की जो भी समस्या है पोषाहार से ही संबंधित, तो उसे दिक्कतें होती है, चाहे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हो तो उसे 0 से 6 वर्ष के लिए उसे मतलब कि औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान किया जाता है इस संदर्भ में। आप किसी ब्लॉक का विजिट किया है आपने? सर मैंने खुद अपने ब्लॉक देखा है, तो वहाँ पर कई सारे ऑफिसर हैं ब्लॉक में, कौन कौन लोग? जैसे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला राजस्व पदाधिकारी हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं, उपयोगी हैं, और इसके अलावा भी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी पदाधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर, ये सब। तो आपने देखा कि वहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या फेस करना होता है सीडीपीओ को? तो सीडीपीओ का मुख्य रूप से उसको जो मुख्य महत्वपूर्ण समस्याएं आती है उनके कारण की वो आंगनबाड़ी केंद्रों का मुख्य रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसी स्थितियों में भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे नामांकित नहीं हो पाए हैं, और जो नामांकित हुए वो आ नहीं रहे केंद्र पर, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो की फरियादी लेकर के आते हैं, जैसे कि कोई आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका आती है, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं कि ऐसी स्थितियों में विभिन्न प्रकार के दबाव झेलने पड़ते हैं। क्या आ सकते हैं पॉलिटिकल प्रेशर? जैसे कि मतलब वो संचालन नहीं कर पा रही है, कोई ऐसे बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाएं जिनकी नौकरी तो ले ली है लेकिन वो केंद्रों पर नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थितियों में जब उसे पकड़ा जाता है तो वो पॉलिटिकल जो उसके पास सहायक होते हैं तो वो उसको दबाव डालते हैं कि नहीं जिसे छोड़ दिया जाए, फिर इससे मतलब नई शिक्षा नीति जो लागू हुई तो लागू हो ही रही है, तो उसमें बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ है क्या, आप कुछ प्रावधान किए गए हैं क्या? कभी याद नहीं है। ठीक है, बिहार में है कितने जिले? 38 जिले। तो हर जिले में के ब्लॉक कितने हैं? 534 ब्लॉक है, तो उसमें सब में सीडीपी ऑफिसर्स होंगे? सब में अभी सब कम है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के माध्यम से लगभग 40 के आसपास। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? पॉलिटिकल साइंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस कि जो हम किसी समाज के किसी भी व्यक्ति को मुख्य रूप से उसकी अवमानना ना करें, उसके साथ से मतलब बेहतर ढंग से पेश आए, उसकी भावनाओं को आहत ना करें, ये टॉलरेंस कहा जाता है ना। और थोड़ा सरल सरल शब्दों में समझाइए, अभी तो बहुत सारी दिक्कतें, सहिष्णुता क्या है और गैर सहिष्णु होता जा रहा है समाज सरकार, इस पर चर्चा होती रहती है, तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, एक आम आदमी कैसे समझे, क्या समझे? सहिष्णु का यदि सबसे साधारण अर्थ देखा जाए तो हम किसी दूसरे को परेशान न करें,
श्लोकों में हम देख सकते कि हम अपना हम दूसरे को आदर सम्मान दें। हम अपना जैसे कोई धर्म की बात होती है तो हम अपने धर्म का भी आदर करें और दूसरे धर्म का भी आदर करें, तो ऐसे चित्रों में से इसको कहा जा सकता है। डोमिनो इफेक्ट क्या है? डोमिनो इफेक्ट क्या है? सर यदि हिंदी बोला जाए तो डोमिनो आदमी का नाम ही है, डोमिनो प्रभाव। अभी रेलवे एक्सीडेंट हुआ, कौन कौन सी ट्रेन इसमें क्षतिग्रस्त है? सर एक कोरोमंडल एक्सप्रेस है और एक यशवंतपुर एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी। रेलवे सेफ्टी के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी होंगी, कोई एक कमेटी का नाम बताइए पहले जो बनी है। ठीक है, आपके जिले से कौन सी एनएच गुजरती है? 333B। 333B। बिहार में कितने एनएच गुजरती हैं बिहार से? आपके जिले में या आपके जिले के आसपास से, आसपास में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं सर, वो पटना के निकट है, नालंदा यूनिवर्सिटी। और कोई यूनिवर्सिटी नहीं मेरे जिले से निकट तो नहीं। आसपास नजर दौड़ाइए, बांका जिला है ना जी, मुंगेर कितनी दूर है वहाँ से? तो मुंगेर बांकीपुर से कटा हुआ और आप पे? 50 किलोमीटर। बस तो अगल बगल ही तो हो गया। क्या योगदान है महात्मा बुद्ध का? महात्मा बुद्ध किसी भी उस समय में धर्म में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, तो ऐसी स्थितियों में महात्मा बुद्ध ने समावेशी संदेश देकर के एक समावेशी समाज का भी निर्माण करने का कोशिश किया है, सभी लोगों को अधिकार देने की कोशिश करी है और इस प्रकार से दूसरे समाज का निर्माण करने की भी कोशिश किया गया है जो विविधता में हो, विविधता को समावेश करने की शानदार कोशिश की गई है। महिला शिक्षा की बात हो तो उसमें से कोई है क्या, कोई महिला फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हो 19वीं सदी में? सावित्री बाई फूले का नाम आप जानते हैं, क्या योगदान है उनका? उन्होंने मुंबई और पुणे के क्षेत्र में महिला शिक्षा से संबंधित स्कूलों में काम किया है, प्राथमिक शिक्षा में भी उन्होंने काम किया है। और क्या योगदान है, कोई जानते हैं उनके बारे में? बिहार में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ये वर्ड बहुत प्रचलित है, निक्सन से लड़े आपने, क्या मायने? सामाजिक न्याय वो रूप से है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं और जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश ही सामाजिक न्याय है। कैसे लाओगे? उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्तिकरण करके। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर वृद्धों से संवाद कर। अच्छा, क्या मिलता है आपको? सर ये उससे जान पाते हैं कि उन क्या मतलब की दिक्कतें आ रही है, पहले के समाज और अभी के समाज में क्या अंतर है। अच्छा ना आपको? सर सर जैसे वो मतलब लोग कह रहे हैं कि सर पहले ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिल पाते थे, या फिर हम किसी को डांट देते थे तो वो फिर बात उल्टा करके नहीं कर देते, या फिर हमें परिवार में भी ज्यादा मान सम्मान मिल पाता, लेकिन अब के समय में यह मूल्य क्षरण हो रहा है, इसलिए इसलिए अन्य भारत जैसे देशों में जिसकी समृद्ध संस्कृति रही है वहाँ भी ज्यादा से ज्यादा ओल्डेज होम खुल गया है। आप क्या बता सकते हैं इसका कारण क्या है क्षरण का? क्षरण के सर आर्थिक और सामाजिक दोनों कारण। आर्थिक कारण में देखा जाए तो लोगों की निश्चित रूप से आय कम हुई और पूंजीवादी जो मॉडल आए लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई, तो ऐसी स्थितियों में भी वो खुद पर अपने समेटे हुए रहते हैं, और यदि सामाजिक रूप में देखें तो सामाजिक सरोकार भी कम हो गए, संवाद लोगों की कम। क्यों क्यों कम हो गए? तो वो आर्थिक रूप से आर्थिक कमी होगी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसा तो हर जगह भरमार रहे हैं, कैसे पैसा कितनी हो रही? सर कुछ तो आय कम हो गए हैं ऐसी स्थितियों में, तो यानी आय कम होने से मान सम्मान मिलना कम हो गया, इसका एक कारण यह हो सकता है। एक मिनट में लॉजिक सुन लो, 50 साल पहले बिहार की और आय कम थी, भूख बल्कि भूखमरी के कागार, तो उस समय तो मूल्य का क्षरण नहीं हुआ था। आप जो बता रहे हैं कि आय कम होने से मूल्य का क्षरण हो गया, ये तो फिर उल्टा जा रहा है। नहीं सर, इसका एक कारण हो सकता है, सारी कारणों के साथ एक कारण यह भी हो सकता है कि लोगों पैसे, जैसे हरियाणा में पैसे रहने के बावजूद भी नहीं गा पाते हो, तो एक कारण पैसे हो सकते हैं,
इसके साथ अभी भी कारण है कि लोग मतलब सेल्फिश होने की हो रहे हैं ऐसी स्थितियों में भी। वही मैं जानना चाह रहा था, क्यों सेल्फिश हो रहे हैं, कारण आपको बताना है। मूल्य का क्षरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लोग सेल्फिश हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। पोषाहार योजना की बात आपने की, तो एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? सर उसे निश्चित रूप में प्रोटीन मिलना चाहिए, निश्चित रूप में वो तो ठीक है, कितना मिलना चाहिए डेटा के साथ बताइए। वो तो सबको पता है भाई, विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना, कितना होना चाहिए? प्रोटीन सुनिए, प्रोटीन मिलने से क्या होगा उसका? शरीर की आंतरिक क्षमता मजबूत होगी। प्रोटीन क्या करता है बॉडी में? प्रोटीन सर ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट क्यों निकलते हैं? कार्बोहाइड्रेट सर सीधी एनर्जी देते हैं। फैट, फैट सर वो भी एनर्जी देते हैं। सर मैं इस बारे में देख लूंगा। तो आप ये बताइए कि अभी जो बच्चों के साथ जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये पोषाहार की समस्या है या फिर वस्त्र की समस्या है या कुछ और समस्या है जिसमें ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी समस्या तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के, और दूसरी बात सर लोगों की आर्थिक क्षमता नहीं, लोगों की आर्थिक क्षमताओं के कारण भी, और वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ये आर्थिक क्षमता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल ले जा रहे हैं, और इसी स्थितियों में वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। अच्छा, आप ये बताइए कि कई सारे स्कूल खोले गए, नवोदय खोले गए, सेंट्रल स्कूल भी खोले गए, जिला स्कूल खोले गए, और अब एक आइडियल स्कूल करके जैसे सिमुलतला में खोला गया जमुई में, तो वैसा बिहार सरकार की योजना है, ये अलग अलग स्कूल खोलने से क्या फायदा होगा समाज को? सर ये बड़ा स्कूल के रूप में विकसित किया जाता है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप सुना जानते हो उस स्कूल का नाम, सुना है क्या? सर जमुई में, हाँ, और उसे हर वर्ष सर मैट्रिक में या मैट्रिक में सर टॉप करते हैं। हाँ तो वैसे स्कूल खोलने से तो क्यों नहीं जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसी को मॉडल स्कूल बनाया जाए या अलग से खोला जाए, क्या आप क्या सोचते हैं? सर हाँ, उस प्रकार की गुणवत्ता को हर स्कूल में निश्चित रूप से इम्प्रूव करना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े, गुणात्मक शिक्षा का स्तर बढ़े। उसके लिए करे क्या, कंक्रीट कोई है आपके पास विजन? यह सर वो टीचर के प्रक्रिया को बेहतर करे, जिस प्रकार स्कैंडिनेवियन देशों में है उस प्रकार की उन्हें सर श्रेष्ठ प्रतिभा शिक्षा के क्षेत्र में आनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले का बेसिक कोई प्रॉब्लम बताइए जो स्पेसिफिक आपके ही जिले में हो। एक क्षेत्र उसके एक भाग में जो भागलपुर से सटे हुए भाग है वहाँ एक बाढ़ आते ही, और वहाँ सर बालू की एक समस्या है। ठीक है, बिहार क्यों विकास की दौड़ में पीछे रह गया? सर हाल के वर्षों में बिहार ने अपेक्षित प्रगति करी, लेकिन फिर भी कई क्षेत्र हैं जो विकसित नहीं हुआ। इसको विकसित नहीं होने का मूल कारण भी देखा जाए तो कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्र नहीं विकास के रूप में राजनीतिक जो इच्छा शक्ति की भी कमी नजर आती है। कृषि की बात करोगे तो कृषि प्रधान क्षेत्र पंजाब भी है, हरियाणा भी है, वेस्ट यूपी भी है, फिर ये कैसे ही था? यहाँ सर हरित क्रांति का अच्छा प्रभाव पड़ा है क्योंकि बिहार में हरित क्रांति नहीं है। दूसरी बात है बिहार में अधिकतर कृषक जो है वो सीमांत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए मशीनीकरण जैसी चीजें यहाँ से नहीं हो पा रहे। ये बताओ, मशीनीकरण नहीं, क्योंकि सीमांत कृषक है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, यानी सीधी सी बात है कि लैंड रिफॉर्म बिहार में असफल रहा है, किसी के पास हजारों एकड़ है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो हरित क्रांति क्यों नहीं हुआ बिहार में? हरित क्रांति के लिए सबसे बड़ी चीजें थी कि क्योंकि हरित क्रांति अच्छे बीज और अच्छे बेहतर मतलब अधिक से अधिक पानी और मशीनीकरण पर निर्भर थी, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं हो पाया। बिहार में नहीं हो पाने के कारण यदि मशीनीकरण वहाँ सीमांत प्रकृति की क्षति है तो मशीनीकरण वहाँ सफल नहीं हो पाया, इसलिए भी वहाँ नहीं हो पाए। और लोगों का वहाँ सर खेती पर अत्यधिक निर्भरता है,
ऐसी स्थितियों में वो वाणिज्यिक फसल नहीं देकर के जीवन निर्वाह खेती कर लेते हैं, इसलिए सर हरित क्रांति नहीं। बच्चे और बूढ़े में कोई समानता भी होती है क्या? बच्चे और बूढ़े भी एक ही समानता और समानता के क्षेत्र में अनुभव हुआ, बाकी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चे और बूढ़े में समान किए जाते हैं। समान पोषक तत्व दिया जाएगा उनको। इन पोषक तत्वों के आधार पर नहीं, उनकी भावनाओं के आधार पर, वो भी जैसे मैंने देखा है सर कई बूढ़ों को कि वो भी जल्दी जल्दी लगता है कि उसे अच्छा भोजन मिले, बच्चे भी ये सोचते हैं कि अच्छा भोजन मिले, बूढ़ों को भी लगता है कि मुझे कोई टहलाने ले चले, घुमाने ले चले, बच्चों को भी लगता संसद का मतलब क्या है? है। सर संसद का क्या मतलब? संसद तो सर्वोच्च विधायी संस्था होती है जहाँ की कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था होती है, किन किन चीजों से मिलकर बना? यह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना। कितनी सीट है अभी राज्यसभा में, लोकसभा में? सर 245 सीटें हैं और 545 सीटें हैं लोकसभा में, 245 सीटें राज्यसभा में। अभी जो संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद का, तो उसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था। सर यदि बुला दिया जाता तो फिर अच्छा ही होता, लेकिन इस संदर्भ में क्योंकि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले थे, प्रधानमंत्री महोदय ने शिलान्यास भी किया था, तो यदि राष्ट्रपति महोदय को बुलाया जाता तो दो गरिमामय लोगों एक समान पद पर एक बार हो जाते थे, ऐसी स्थितियों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती। दोनों समान पद हैं। नहीं सर, राष्ट्रपति जो होते हैं वो मतलब सर्वोच्च पद होते हैं देश के, और ऐसी स्थितियों में भी प्रधानमंत्री उद्घाटन न कर पाने के लिए एक हेल्दी व्यक्ति में कितना हीमोग्लोबिन होता है? सर 120 अच्छा, हीमोग्लोबिन 120 होता है। सॉरी सर मैं मतलब याद नहीं कर पा। याद नहीं करता। ठीक है। और यानी एक हेल्दी बॉडी में क्या क्या लेवल किसका होगा, ये दो चार पॉइंट भी आपको नहीं पता है, किसी कोई पैरामीटर के बारे में नहीं पता है। अभी सर नहीं पता। गुड। बिहार से मजदूरों का पलायन होता है दूसरे क्षेत्रों में, और वहाँ उनका बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई जगह आपने टीवी में देखा होगा, मार हो जाती है। प्रॉब्लम महाराष्ट्र में भी, इधर हरियाणा में भी, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर ये तो हो सकता है कि सर राजनीतिक प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तो ऐसे देखा जा रहा है कि लोग अपने राज्य में जो राजनीतिक एजेंडे के रूप में अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। देखो, झारखंड के मैक्सिमम ट्राइबल पलायन करते हैं उड़ीसा और बंगाल में, असम तक जाते हैं, झुंड में एकदम थोक के भाव में, औरतें और लड़कियां उनके साथ हो रहा है। बिहारियों के साथ ही कुछ प्रॉब्लम। और ये सर व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, जैसे सर अभी तमिलनाडु में जो हुए थे वो व्यक्तिगत मामले थे। व्यक्तिगत था वो, फेक भी था, पर आप देखिएगा कि भाई मैं तो मामला कई सालों से चल रहा है कि छठ पूजा एक गलत चीज है, ढकोसला है, तो उधर से वो बोलेंगे कुछ है तो बिहारियों को लगाओ, ऐसा दूसरे के साथ नहीं हो रहा। सर कारण क्या है? इससे एक सर वो एक राजनीतिक कारण हो सकते हैं और दूसरी कारण है व्यक्तिगत मामला हो सकता है, और लोगों की जरूरत पूर्व अवधारणाएं हो सकती है। तो बिहार का लिंग अनुपात बताइए। बिहार का लिंग अनुपात 218 918। और राष्ट्रीय स्तर पर? 943। और एजुकेशन का डाटा क्या है, महिला शिक्षा का? बिहार में 51.5%। महिला शिक्षा का। यस जब भारत आजाद हुआ होगा उस समय विमेन एजुकेशन कितना रहा होगा, इमेजिन कीजिए। सर 20-25%। 25% महिलाएं साक्षर रही होंगी 1947 में, सर उससे कम ही रहे। उससे कम रही होंगी। प्रस्तावना याद है आपको, बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पहले क्यों है सामाजिक, क्यों नहीं आर्थिक न्याय पहले? सर इसका एक कारण है कि भारत सामाजिक आपने बोला ना सामाजिक, फिर उसके बाद क्या बोला? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो राजनीतिक बाद में है, सामाजिक पहले है। बगैर सामाजिक रूप से सशक्त हुए या सामाजिक रूप से उसे बेहतर बनाने के बजाय आर्थिक रूप से मजबूती नहीं दिया जा सकता, वो अपने सामाजिक रूप से मजबूती मिलने का अंत है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जो वंचनाएं हैं उस वंचनाएं को दूर किया जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं की के विकास से संबंधित कोई आर्टिकल है क्या?
महिलाओं के विकास से संबंधित निश्चित रूप से कौन सा है? जैसे सर 21 है जी, इसके अलावा 23 ये जो बालाश्रम प्रतिषेध करता है, इसके अलावा सर 39(4) नीति समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी है। कार्यस्थल पर महिलाओं का जो शोषण होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत चर्चित केस था, क्या क्या वो भी साक्षर बता रहे थे, क्या था वो? सर वो कि कार्यस्थल पर उसे बेहतर रूप से मतलब कार्य जो सरकारी स्तर पर उसे बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, शिशु गृह की स्थापना करना चाहिए, या फिर रात में एक सर्टेन टाइम के बाद उसे काम नहीं किया दिया जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट क्या है और इसका फुल फॉर्म बताइए। सर पॉक्सो होता है सर बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम, ये निषेध करने का सर जो 2013 सर 2012 सर बना। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सर मानव अधिकार दिवस सर दिसंबर में मनाया जाता है। पूरे दिसंबर? नहीं सर वो सर 10 दिसंबर। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जीते जयंती, मतलब क्या जवाहरलाल नेहरू को हम ऑनर करते थे उनको, मतलब किस लिए? बच्चे से बेहतर लगाव के लिए हो सकते हैं। और जो बुजुर्गों से आपकी बेहतर लगाव की बात आप कह रहे हैं, इस अध्ययन का कोई साइंटिफिक नाम भी है क्या? वृद्ध का हम अध्ययन करें उसके लिए कोई साइंटिफिक नाम भी है क्या? उस अध्ययन के मेथड को कुछ नहीं, नहीं आप कभी गए हैं क्या ओल्ड एज होम? सर अभी तो नहीं गए। फिर आप ये बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं, कहाँ करते हैं? ग्रामीण समाज में रहते हैं तो फिर ग्रामीण समाज में ऐसा ओल्ड एज होम देखने को नहीं मिला, लेकिन सर मुझे लगता है ये मेरी कमियां है जो मैं नहीं जा पा रहा। तो आपसे वो हम बात करते हैं या आप उनसे बात करते हैं, तो किस टॉपिक पे बात करते हैं? सर कुछ चीज़ों पर, वो घरेलू मामले हो गए या समाज के मामले हो गए या कुछ भी मजाकिया लहजे में भी बातें हो जाती है। अच्छा, तो आप इंटरटेनमेंट के लिए बात? नहीं सर, कुछ समस्याओं को जानने के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी वो एक कुछ बता देते हैं, ऐसे ही मजाकिया लहजे में ही बात हो जाती है। आप अपनी कुछ खूबियाँ बताइए। सर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि मैं निश्चित रूप से तटस्थ रह पाता हूँ, इसके अलावा भी सर मैं तटस्थ रहने का मतलब रहना तो उचित के साथ प्रभावित नहीं होता हूँ, जैसे किसी भी गलत चीजें होती है या सही, तो इससे सर हम पूरी तरह से आकलन कर पाते हैं अपने, इसके अलावा भी सर डिसीजन मेकिंग में भी सही और समय के साथ डिसीजन ले पाते हैं सभी को। तीसरी बात सर ये कि हम सभी को लेकर के चलने में अतिरिक्त जो गुण होती है सभी को सांस लेकर के चलने का चीजें होती है। चौथी 20वीं सदी का जो सबसे बड़ा लीडर है उसका नाम बताइए। सर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि 20वीं सदी के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी जी। क्या गुण है उनमें? उनमें सर उन्होंने, और ये महात्मा शब्द क्यों लगा है? सर महात्मा को चंपारण के बाहर लगा है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता को लेकर, क्योंकि सबसे पहली भारत में जो हुई है वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुई है, और सभी तरह टैगोर महोदय ने महात्मा से इसे नवाजा गया। आर एन टैगोर का विश्व बंधुत्व तो क्या है? विश्व बंधुत्व है कि सर विश्व के सभी लोगों के बीच एकता समन्वय और प्रेम, यह सर राष्ट्रीय राष्ट्रीयवाद नहीं है, वो राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्र की परिधि से दूर का मन भाईचारा है, प्रेम है, राष्ट्रवाद। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, बैठिए। ठीक है, आप तैयारी थोड़ा सा और कर लीजिए अध्ययन, जवाब थोड़ा लॉजिकल चाहिए। कुछ मतलब ये सिचुएशन तो नहीं सर ऐसे भी, जैसे कि बिहार के श्रमिकों के साथ जो मारपीट हो रहे हैं या फिर बातें हो रही है, मैं लगता है मुझे कि कमजोर जवाब था। और ये पैरामीटर आप नहीं जानते कि हेल्दी बॉडी में क्या होगा, तो आपका पोस्ट भी वही है, पोषण करवाइएगा नहीं, प्रोटीन बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक है ना जी, एक एक इंच से घर बनता है ना, तो एक एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से शरीर बनता है। हीमोग्लोबिन 120 कहाँ, 12 से 16 के बीच नहीं, 120 तक ब्लड प्रेशर मैं 120 बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये सब चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर थोड़ी सी और चर्चा, फ्रीडम स्ट्रगल की और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, और जो मुख्य रूप से लेकिन ये नहीं था कि महिला और बच्चों में मतलब क्या है, तो और थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, फियर फैक्टर कम, मतलब आप जवाब दे पाते हैं,
अंदर का जो भय है वो कम है, वो एक अच्छी बात है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें भी पढ़ लीजिएगा और बार आइएगा तो देख के आइएगा। सर इसमें मुंगेर विश्वविद्यालय की इधर हाल ही में खुला था, नहीं वज्रयान यूनिवर्सिटी नहीं है, मुंगेर रुक भागलपुर। अब तो शायद मुंगेर वाले की यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको।